ಧರ್ಮಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವರು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಮಾತಾಡಿದರು ಈಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ और हेल्ती मीसलाती 17% अल्ली एस सी गळिगे मीसलाती एड मत्तु बल अंत कोट्टिद्र बग्गे मुक्कलिगा का कम करोगे लिंगायतों का कम करोगे दलितों का कम करोगे या एसटी का कम करोगे या ओबीसी का कम करोगे माताओं भाइयों बहनों क्या आप चाहते हैं वो कलिगा और लिंगायत का रिजर्वेशन कम हो चाहते हैं क्या आप चाहते हैं कि एससी रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन कम हो अगर 4% कांग्रेस बढ़ाना चाहती है तो किसी का कम करना पड़ेगा मैं कांग्रेस को इस मंच से पूछना चाहता हूं आप किसका रिजर्वेशन कम करोगे ये आप बताइए और अभी अभी हमारे एक दो नेता पार्टी छोड़ गए तो उनको लगता है कि बहुत बड़ा फायदा हो गया मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि आपने तो हमेशा लिंगायत समाज का अपमान ही किया है इतने लंबे शासन में दो ही लिंगायत मुख्यमंत्री दिए श्री निजलिंगप्पा और वीरेंद्र पाटिल और दोनों को अपमान कराकर बाहर निकाल दिया है और आप भारतीय जनता पार्टी से आए हुए